मछली पकड़ना और आपका खनन, ये जो है आपके ध्यान रहेंगे, ये आपके प्राथमिक क्रियाकलापों में आने वाले सेक्टर है। अब आपने देखा ये सारी चीजें सीधे प्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रकृति से जुड़े हुए क्रियाकलाप है, ठीक। यानी मानव जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है, इसलिए इनको प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। अब आते हैं अपन द्वितीयक व्यवसाय में, क्या क्या आता है द्वितीयक व्यवसाय में, कौन कौन से क्रियाकलाप। तो देखिए प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त उत्पादों को यहाँ द्वितीयक सेक्टर में क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है, और संशोधित करके और उन्हें अधिक मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाता है। तो ऐसे जो है वो द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे समझो आप, जैसे कपास खेती से प्राप्त होती है, कृषि से कपास से कपड़े बनते हैं, तो वो द्वितीयक सेक्टर में आ गया। इसी प्रकार गन्ना, गन्ने की खेती होती है, ठीक है, खेती से फिर गन्ने से चीनी गुड़ एल्कोहल वगैरह, तो वो द्वितीयक सेक्टर का आ गया। ऐसे बहुत सारे, लकड़ी काटना, लकड़ी से बहुत सारे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, तो हम उससे बहुत सारे फर्नीचर तैयार करते हैं, तो फर्नीचर जो वो किस में आते हैं, द्वितीयक सेक्टर में आते हैं, ठीक है। खनन, खनन से हमें तांबा, सोना, चांदी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, उनसे अनेक प्रकार की मशीनें, टूल्स, इक्विपमेंट बनते हैं, आभूषण बनते हैं, तो ये सब द्वितीयक सेक्टर का आता है। बिल्डिंग बनाना, सड़कें बनाना, ताला खोदना, ये सब द्वितीयक विनिर्माण निर्माण के अंतर्गत आता है। तो देखिए द्वितीयक सेक्टर में क्या आता है, विनिर्माण, निर्माण, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण जो है इसी के अंतर्गत आता है, द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत। और आपका ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, बिजली लाइट वगैरह जो बनती है, और भी बहुत से अन्य निर्माण कार्य जो भी है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। समझ गए आप, ये द्वितीयक सेक्टर हो गया। विनिर्माण, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं वगैरह बनाना, मिट्टी के चाहे बर्तन ही क्यों ना हो, इसके अलावा निर्माण, सड़क, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, प्रशासन का ऑफिस वगैरह, और इसके अलावा प्रसंस्करण, जैसे प्रसंस्कृत वस्तुएं बहुत सारे बनाते हैं, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं, नमकीन, बिस्किट, चाय, ये बहुत सारी चीजें, तो ये प्रसंस्करण के अचार वगैरह, ये सब कुछ प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं, केमिकल वगैरह है। अब देखिए तृतीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय में क्या आता है, इसको सेवा सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अब सेवा सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रत्यक्ष वस्तु का उत्पादन नहीं होता। देखिए इसमें हम जो है कृषि करते हैं, तो कृषि में हमें उपज प्राप्त होती है, गेहूं, चना, सरसों वगैरह जो भी पैदा करते हैं, उसमें एक वस्तु हमें मिलती है। ऐसे द्वितीयक सेक्टर में हमने कोई मशीन बनाई या चीनी तैयार की, तो वो भी एक वस्तु प्राप्त होती है, जबकि तृतीयक सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें किसी कोई प्रत्यक्ष वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि कई का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, और वो हमें पैसों के बदले में प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसलिए उसको तृतीयक सेक्टर को सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि तृतीयक सेक्टर को सेवा सेक्टर क्यों कहते हैं, ठीक। तो इसमें कोई प्रत्यक्ष वस्तु का उत्पादन ना होकर के और सेवाओं का उत्पादन होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, और बाकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, या फिर हम एक एक करके इनका विस्तार से भी आगे हम वर्णन करेंगे, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ये समझ लो कि तृतीयक सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो देखिए तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आपका परिवहन, आपका व्यापार, संचार, भंडारण, ठीक है, भंडारण के अलावा आपका प्रशासन, प्रशासनिक सेवाएं जो भी होती है, पुलिस वगैरह, वो सब इसी में आती है, ठीक है। और आपका मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन या जैसे आप फिल्म, नाटक वगैरह, सीरियल वगैरह देखते हो, तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है। इसी के अलावा आपका बैंक है, आपका बीमा सेक्टर है, और इसके अलावा आपका पर्यटन, पर्यटन को भी उद्योग कहा जाता है। तो ये हमारे जो है तृतीयक सेक्टर। अब देखो आप परिवहन, व्यापार, संचार, भंडारण, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा और पर्यटन, इनमें किसी रूप में आपको कोई प्रत्यक्ष वस्तु का उत्पादन होता है क्या, कुछ नहीं होता है, केवल किसका उत्पादन होता है, सेवाओं का, और वो हमें क्या के बदले मिलती है, रुपयों के बदले, पैसों के बदले में। ताजमहल देखना है, टिकट कटाएंगे, ताजमहल देखने का आनंद लेंगे, जयपुर जाना है, बस वाले कुछ से टिकट लेंगे, किराया देंगे उसको, वो हमें जयपुर छोड़ देगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हमें मोबाइल से बात करनी है, रिचार्ज कराएंगे, एसटी वाले पैसे देंगे, मोबाइल से बात हो जाएंगी, तो ये सब सेवाएं। अब देखिए चतुर्थ व्यवसाय,
चतुर्थक सेक्टर इनसे बड़ा सेक्टर है, हालांकि ये थोड़ी क्या है उच्च लेवल की सेवा है, हालांकि ये तृतीय चतुर्थक पंचम ये कई चीज है, लेकिन इन सेवाओं को जो है बड़े स्तर के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो इसे तृतीय सेक्टर को दो अन्य प्रकार बनाती है। अब देखिए चतुर्थक सेक्टर में क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका सूचना, इसमें आता है आपका शोध, शोध कार्य जो होते हैं साइंटिस्ट वगैरह, इसके अलावा आपका आता है इसमें प्रबंधन, विभिन्न प्रकार के फर्मों के जो मैनेजमेंट अधिकारी होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपका आता है एजुकेशन, शिक्षा जो है इसी से संबंधित है, और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य व सुरक्षा जो है इसी से संबंधित है, ठीक है। ये उच्च लेवल, थोड़ी उच्च लेवल की सुविधा सुविधाएं है, सेवाएं है, तो इसलिए इनको चतुर्थक सेक्टर। आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को फीस चुकाते हो, आपका इलाज करता है, तो ये भी एक सेवा ही है, तो ये भी सेवा सेक्टर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये उच्च लेवल की सेवा व्हाइट कॉलर में आता है, तो इसलिए इसको चतुर्थक सेक्टर में जो है शामिल किया गया है। अब देखिए पंचम सेक्टर, पंचम सेक्टर में और हाई लेवल की सेवाएं आती है। देखो पंचम सेक्टर में क्या क्या आता है, अब देखिए कार्यकारी,